नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही ओप्पो कंपनी ने अपने नए स्मार्टफोन ओप्पो A92 को लॉन्च किया है और शोमी कंपनी ने अपनी रेडमी नोट 9 सीरीज के नए स्मार्टफोन रेडमी नोट 9 स्मार्टफोन को लॉन्च किया है। दोस्तों, ये दोनों स्मार्टफोन मार्केट में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रहने वाले हैं क्योंकि दोस्तों इनके अंदर आपको कंपनी ने बहुत ही जबरदस्त और बढ़िया फीचर्स दिए हैं। लेकिन दोस्तों, मार्केट में दोनों स्मार्टफोन को कड़ी टक्कर देने के लिए रियलमी कंपनी ने अपनी नार्जो सीरीज को उतार दिया है, जिसमें आपको नार्जो 10 स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, जिसकी सीधी टक्कर दोस्तों मार्केट में ओप्पो A92 और रेडमी नोट 9 स्मार्टफोन से होगी। क्योंकि दोस्तों इन तीनों स्मार्टफोन में आपको लगभग एक जैसे ही फीचर्स देखने को मिलेंगे और इन तीनों स्मार्टफोन का प्राइस इंडियन मार्केट में लगभग 12 से 13 हजार रुपए के बीच में होने वाला है। तो दोस्तों, अब ऐसे में आपके सामने यह सवाल आता है कि आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप एक बढ़िया अच्छा बजट स्मार्टफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें, और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं इन तीनों स्मार्टफोन के लुक और इनके डिजाइन के साथ। दोस्तों, अगर बात की जाए रेडमी नोट 9 और ओप्पो A92 स्मार्टफोन की, तो दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको पंच होल नोज डिस्प्ले और क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, रियलमी नार्जो 10 स्मार्टफोन के अंदर आपको वाटर डोप नोज डिस्प्ले देखने को मिलेगी, लेकिन दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर भी आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप ही देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर बात की जाए इन तीनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन की, तो दोस्तों ओप्पो A92 स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने 6.55 इंच की फुल HD पंच होल नोच डिस्प्ले दी है, जो कि 1080x2400 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ है और इसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए रेडमी नोट 9 मोबाइल की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने 6.53 इंच की फुल HD पंच होल नोच डिस्प्ले दी है, जो की 1080x2340 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ है और इसका एस्पेक्ट रेशियो 19:9। और अगर दोस्तों बात की जाए रियलमी नार्जो 10 स्मार्टफोन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने 6.5 इंच की HD मिनी वाटर डॉप नोच डिस्प्ले दी है, जो कि 1560x720 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ है और इसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। तो दोस्तों, अगर इन तीनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के डिफरेंस की बात की जाए, तो दोस्तों डिस्प्ले के मामले में रेडमी नोट 9 और ओप्पो A92 स्मार्टफोन आगे है। इनके अंदर आपको दोस्तों फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है और इसके साथ ही इनके अंदर आपको दोस्तों पंच होल नोच डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इन तीनों स्मार्टफोन के वेरियंट्स के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए ओप्पो A92 स्मार्टफोन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को कंपनी ने मार्केट में 8 GB रैम के साथ लॉन्च किया है, जिसके साथ आपको 128 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा और इसके अंदर आपको माइक्रो SD कार्ड का भी स्लॉट मिल जाएगा। जबकि दोस्तों बात की जाए रेडमी नोट 9 मोबाइल की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को कंपनी ने मार्केट में 3 GB और 4 GB रैम के साथ लॉन्च किया है, जिसके साथ आपको 64 GB और 128 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा और इसके अंदर भी आपको माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिलेगा। वहीं अगर दोस्तों रियलमी नार्जो 10 स्मार्टफोन की बात की जाए, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को कंपनी ने मार्केट में 4 GB रैम के साथ लॉन्च किया है, जिसके साथ आपको 128 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा और इसके अंदर भी आपको दोस्तों माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिलेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इन तीनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में। दोस्तों, तीनों स्मार्टफोन के अंदर आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों इन तीनों स्मार्टफोन के कैमरा का डिजाइन अलग अलग टाइप का होगा। दोस्तों, अगर बात की जाए ओप्पो A92 स्मार्टफोन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने इसके बैक पैनल के ऊपर 48 MP, 8 MP, 2 MP और 2 MP का रियर कैमरा और 16 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया है। जबकि दोस्तों बात की जाए रेडमी नोट 9 मोबाइल की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के बैक पैनल के ऊपर भी आपको कंपनी ने 48 MP, 8 MP, 2 MP और 2 MP का रियर कैमरा और 13 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया है। जबकि दोस्तों बात की जाए रियलमी नार्जो 10 स्मार्टफोन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के बैक पैनल के ऊपर भी आपको कंपनी ने 48 MP, 8 MP, 2 MP और 2 MP का रियर कैमरा और 16 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया है। तो दोस्तों, अगर इन तीनों स्मार्टफोन के कैमरा के डिफरेंस की बात की जाए, तो दोस्तों रियर कैमरा के मामले में तीनों स्मार्टफोन सेम है। तीनों स्मार्टफोन के अंदर आपको 48 MP का रियर कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों फ्रंट कैमरा के मामले में रियलमी नार्जो 10 और ओप्पो A92 स्मार्टफोन आगे है, क्योंकि दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जबकि दोस्तों रेडमी नोट 9 मोबाइल के अंदर आपको 13 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इन तीनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए ओप्पो A92 स्मार्टफोन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर कंपनी ने ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 665 का चिपसेट दिया है और यह मोबाइल एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लॉन्च किया गया है, जो की कलर OS 7.1 के ऊपर काम करेगा और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर आपको एडीनो 610 का GB देखने को मिलता है। जबकि दोस्तों रेडमी नोट 9 मोबाइल की बात की जाए, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ मीडियाटेक हेलियो G85 का चिपसेट दिया है और यह मोबाइल एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लॉन्च किया गया है। और वहीं अगर दोस्तों बात की जाए रियलमी नार्जो 10 स्मार्टफोन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ मीडियाटेक हेलियो G80 का चिपसेट दिया है और यह मोबाइल भी एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लॉन्च किया गया है, जो की रियलमी UI के ऊपर काम करेगा। तो दोस्तों, अगर इन तीनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर की डिफरेंस की बात की जाए, तो दोस्तों इन तीनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के अंदर इतना ज्यादा भी डिफरेंस नहीं है। हालांकि दोस्तों रेडमी नोट 9
मोबाइल के अंदर आपको मीडियाटेक का लेटेस्ट चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि आपको बढ़िया और अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस देगा। बाकी दोस्तों ओप्पो A92 स्मार्टफोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का चिपसेट देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इन तीनों स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में। दोस्तों अगर बात की जाए ओप्पो A92 स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने 18 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 5000 mAh की बड़ी और अच्छी पावरफुल बैटरी दी है। जबकि दोस्तों बात की जाए रेडमी नोट 9 मोबाइल की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में भी आपको कंपनी ने 18 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 5020 mAh की बड़ी और अच्छी पावरफुल बैटरी दी है। और दोस्तों अगर बात की जाए रियलमी नार्जो 10 स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर भी आपको कंपनी ने 18 वाट के क्विक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 5000 mAh की बड़ी और अच्छी पावरफुल बैटरी दी है। तो दोस्तों बैटरी के मामले में भी तीनों स्मार्टफोन सेम रहेंगे। तीनों स्मार्टफोन के अंदर आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और 5000 mAh के आसपास की बड़ी और अच्छी पावरफुल बैटरी देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों बैटरी के मामले में तीनों स्मार्टफोन सेम रहेंगे। तीनों स्मार्टफोन आपको लॉन्ग पावर बैकअप देंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा। दोस्तों अगर बात की जाए इन तीनों स्मार्टफोन की कीमत की, वैसे तो दोस्तों Redmi Note 9 और Oppo A92 स्मार्टफोन को अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों Oppo A92 स्मार्टफोन की कीमत इंडियन मार्केट में लगभग 18,000 रुपए के आसपास होगी, जबकि दोस्तों Redmi Note 9 मोबाइल की कीमत लगभग 13,000 रुपए के आसपास होने वाली है। और दोस्तों Realme Narzo 10 स्मार्टफोन को कंपनी ने इंडियन मार्केट में लगभग 11,000 रुपए के आसपास लॉन्च किया है। तो दोस्तों यदि आप एक बढ़िया अच्छा 12 से 15,000 रुपए तक की कीमत का स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों मेरे नजर में आपको Redmi Note 9 मोबाइल खरीदना चाहिए। दोस्तों यह स्मार्टफोन कुछ ही दिन में इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है। बाकी दोस्तों आपको इन कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज्यादा पसंद आया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।